नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विद्युत प्रतिरोध। तो जैसे हम नॉर्मल मीनिंग लेते हैं प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का नॉर्मल मीनिंग होता है कि जो अवरोध उत्पन्न करना, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम विद्युत प्रतिरोध। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा विद्युत प्रतिरोध का मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो रही है, तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो ही कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में ये अवरोध उत्पन्न करेगा, इसका अर्थ है विद्युत प्रतिरोध वो होगा जो अवरोध उत्पन्न करेगा। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो है चालक, अब इसकी जो डेफिनेशन है उससे शुरू करते हैं। यह चालक जो कंडक्टर होता है, चालक द्वारा, चालक हम जानते हैं जो कंडक्टर होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो चालक द्वारा अपने में से गुजरने वाली या प्रवाहित होने वाली, यहाँ पर हम ये गुजरने वाली एक अलग मीनिंग होता है, तो यहाँ पर लिखते थे प्रवाहित। बात एक ही है वैसे, प्रवाहित विद्युत धारा के विरोध का गुण है वो कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। ये है विद्युत प्रतिरोध, और इसको जो डिनोट करते हैं प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। और जो प्रतिरोध का सिंबल होता है, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। और इसका मात्रक देखें, यूनिट मात्रक प्रतिरोध का मात्रक है वो है ओम। ये हो गया, अब ओम को डिनोट करते हैं, ये हमारा ओम, इस तरह लिखते हैं। देखिए विद्युत प्रतिरोध है वो जो करंट फ्लो रही है, जो हमारा कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो रही है उसके मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करेगा वो होगा हमारा विद्युत प्रतिरोध। अब इसकी निर्भरता देखते हैं, जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पर देखिए डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो पॉइंट नंबर एक, जो हमारा प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर। नंबर दो, जो हमारा चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर, यानी कि कितनी डिस्टेंस का हमारे पास जो कंडक्टर है या जो कंडक्टर वायर है वो कितनी लंबाई का है उस पर डिपेंड करता है। और नंबर दो है चालक का जो अनुप्रस्थ काट है उस पर, कंडक्टर का जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट पर। और जो नंबर तीन है वो चालक किस प्रकृति का बना है, चालक की प्रकृति पर। अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, तो चालक की प्रकृति पर। और जो नंबर फोर है वो है चालक के ताप पर, जो हमारा चालक है चालक के ताप पर। ये जो हमारी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो चार पॉइंट पर है, एक है उसकी लंबाई पर,
उसके अनुप्रस्थ काट पर और उसके नेचर पर और टेम्परेचर पर। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर अब देखिए, चालक की लंबाई का क्या है, जो चालक का प्रतिरोध होता है, देखिए चालक का प्रतिरोध आर होता है, आर चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई, लंबाई जो एल है उसके समानुपाती है, एल के समानुपाती होता है। अर्थात रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब देखिए, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा, यदि एल ज़्यादा तो आर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये समानुपात है। यदि ये व्युत्क्रमानुपात होता तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता, और जो चालक की लंबाई है वो कम करने पर प्रतिरोध ज़्यादा और बढ़ाने पर प्रतिरोध कम। लेकिन यहाँ पर समानुपात है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी या घटेगी उसी तरह जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो यदि एल लेंथ कम है, यदि एल कम तो रेजिस्टेंस कम, तो आर, आर ज़्यादा, एल ज़्यादा तो आर ज़्यादा। और नंबर टू देखिए, यदि हमारी जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कम है, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। ये है लंबाई पर निर्भरता। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यदि हम किसी चालक की लंबाई बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और यदि चालक का जो लेंथ कम कर दें तो चालक का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पर, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह चालक अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट पर। लास्ट में हम इस सबको एक जगह लिखा देंगे कि किस पर समानुपात होता है और किस पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो, तो अब देखिए बात करते हैं हम जो हमारा अनुप्रस्थ काट पर प्रतिरोध की निर्भरता, अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता सेकंड पॉइंट है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध आर उसके जो हमारा कंडक्टर है उसके कंडक्टर के लिए आया है, उसके कंडक्टर के जो जो कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट है, चालक का जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो इस बार इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ ऑन अनुप्रस्थ काट को, ऐसे डिनोट करते हैं हम। जो हमारा अनुप्रस्थ काट है उसको हमने यहाँ से यहाँ पर ऐसे डिनोट किया। लेकिन जो हमारी लेंथ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो लेंथ इस तरह से है और जो निर्भरता वो इस तरह से है। लेकिन जो जो अनुप्रस्थ काट है वो इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, यदि हम जो हमारा अनुप्रस्थ काट यदि कम है, यदि कम है, पॉइंट नंबर एक देखिए, यदि ए कम है, यदि ये कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आर, आर ज़्यादा। अब देखिए, यदि हमारा जो अनुप्रस्थ काट है वो बढ़ जाए, यदि ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ए ज़्यादा।
ज़्यादा, तो आर कम, ये युद्ध का मानुपाती होता है जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो तार हैं, एक मोटा तार है और एक पतला तार है। तो जो मोटा तार है, ये हमारा मोटा तार है मान लीजिए, और ये है कि पतला सा तार, पतलू सा तार, ये तार है, आप ये मत समझ रहे, कुछ और है। तो ये एक तार है, तो ये जो तार है इसका अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है कंपेयर टू इस पतले वाले तार की कंपेयर में। अब आप बताइए कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, सोच के जवाब देना। तो जो अनुप्रस्थ काट है वो इसका ज़्यादा है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कम है। तो हमने देखा कि यदि अनु जो ए कम है, मतलब जो पतला वाला तार है उसका अनुप्रस्थ काट यदि कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए क्या होता, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं ताकि सही से दिखे, वरना सब एक साथ हो जाएगा तो दिखेगा नहीं क्या किस क्या कहाँ पर लिखा है। तो देखिए ये आता है, जो हमारा मोटा तार होता है, मोटे तार का प्रतिरोध ए ज़्यादा, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम वह जो हमारा बारीक तार होता है, बारीक तार, तार का प्रतिरोध क्योंकि बारीक है तो ये जो अनुप्रस्थ काट है वह कम होगा। यदि ये कम है तो आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा, जो हमारा प्रतिरोध कम होता है, और जो पतला तार होता है वह बारीक तार का जो आर होता है वो ज़्यादा होता है, होता है। अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, उसकी प्रकृति पर। नंबर 3 है चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। इसका अर्थ क्या हुआ, अब देखिए जो हमारा चालक की प्रकृति पर क्या, कि भिन्न भिन्न चालक होते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं वो अलग अलग मेटल के बने हैं यदि, तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो भी भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए इसके लिए हम जो हमारी डेफिनेशन वो क्या हुई, थ्योरी लिखते हैं, भिन्न 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 चालकों के लिए, चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए इसमें जो मोस्ट पॉइंट है वो देखिए, धातुओं का प्रतिरोध, जो हमारी मेटल होती हैं, धातुओं का प्रतिरोध कम होता है, और वह मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है, का प्रतिरोध वो अधिक होता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, जो हमारी धातुएं हैं उनके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, और जो हमारी मिश्र धातुएं हैं, धातुओं को मिलाकर यदि हमने कोई जो मेटल बना रखी है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं हमारी थर्ड है ताप पर निर्भरता, कि ताप पर प्रतिरोध किस तरह निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है ताप पर निर्भरता, अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है नहीं किया, नहीं किया ना, अरे यार मुझे पता था आप नहीं करोगे।
ठीक है भाई, नहीं किया अच्छा लगे तो करना। ये आप पर कोई हम दबाव नहीं बना रहे कि आप लाइक कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तब लाइक करना, यदि नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाना, ताकि हम जो हमारी कमी है उसको इम्प्रूव कर सकें। अब देखिए, ताप वृद्धि से यदि हम ताप बढ़ा रहे हैं, किसी मेटल है उसका ताप बढ़ा रहे हैं, ताप वृद्धि से प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, तो ताप वृद्धि से चालकों चालकों में क्या होता है, जो हमारे कंडक्टर धातुएं हैं चालकों में, धातु मान लीजिए, धातु धातु के प्रतिरोध है, प्रतिरोध में ताप वृद्धि से चालकों के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अब देखिए, जबकि यदि हम ताप कम कर रहे हैं, जबकि ताप वृद्धि से जो हमारे कुचालक होते हैं, ताप वृद्धि से कुचालकों, आप पहले लिख लीजिए, हम बाद में बताएंगे कुचालक क्या होता है, कुचालकों वह अर्धचालकों, अर्धचालकों के प्रतिरोध में कमी होती है। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पर हमने तीन वर्ड काम में लिए, पहला चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक का अर्थ क्या होगा? चालक का अर्थ है कि जो हमारा ऐसी धातु जो करंट का फ्लो करती है वो कहलाती है चालक धातु है। अब कुचालक कौन से है? कुचालक ऐसे जो हमारे करंट का जो फ्लो है वो अपने में से नहीं होने देती, वो कहलाती है कुचालक। और जो थर्ड टाइप की है वो है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या है? ये जो जीरो टेम्परेचर है उस पर तो कुचालक की तरह बहुत व्यवहार करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चालक की तरह व्यवहार करेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या होता है, उसकी निर्भरता, और इसकी जो थ्योरी थी वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सबको बताना।